आप देख सकते हैं मैंने ये अंडे बॉईल होने के लिए रख दिया है। जब ये बॉईल हो जाएगा फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे अंडे बॉईल हो चुके हैं। अब हम ये अंडा लेंगे और इसे टूथपिक की मदद से इस तरह से सब में पोक कर लेंगे, छेद कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हम जब अंडा फ्राई करेंगे तो वो छिटे नहीं पड़ेंगे। इस तरीके से कर लें। अगर आपके पास टूथपिक ना हो तो आप ये फॉग ले लें और इसे भी इस तरीके से कहीं से कर लें ताकि इसका एयर सारा निकल जाए। इस तरीके से चलिए अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये हमारा मसाला है। ये मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज और एक मीडियम साइज़ का टमाटर दोनों को बारीक टुकड़ों में काट कर मिक्सर जार में मैंने इसे पेस्ट बना लिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक चम्मच भर के धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर और एक चम्मच गोलमिर्च पाउडर। और इसके अंदर ऐड करेंगे दो चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट, देख सकते हैं। और इसके स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। चलिए सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, उसे गर्म करेंगे और इसमें मैं ऑयल डालूंगी। ये मैंने कुकिंग ऑयल लिया, आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जब ये हमारा अच्छा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम अंडा डाल के फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम धीरे धीरे अंडा डाल देंगे और उसके बाद इसे अच्छा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसे मैंने एक तरफ से पलट लिया है, इसी तरीके से आप भी फ्राई कर लें। मैंने दो बैच में इसे फ्राई करूंगी। मैं पहले चार अंडे फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद फिर से चार अंडे इसमें डाल के फ्राई कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं ये चारों तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका गोल्डन। अब हम इसे धीरे से निकाल लेंगे, जो हमारा होता जाएगा उसे हम निकालते जाएंगे। ये देखें कितने अच्छी तरह से फ्राई हो चुका। तो आप देख सकते हैं ये सभी फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लूँगी, देखें उसी तरीके से आप भी करें। तो आप देख सकते हैं ये हमारा दूसरा बैच भी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। गैस को स्लो करेंगे और इसी तेल में हम एक चम्मच जीरा डाल देंगे। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे एक चम्मच जीरा। उसके बाद जो हमने मसाला तैयार किया था वो इस्तेमाल करेंगे। और इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। जब तक हमारा मसाला अच्छी तरीके से पक जाए तब तक हम इसे भून लेंगे। तो चलिए इसे 5 मिनट ढक के इसे पकने देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 5 मिनट हो चुका है। अब हम इसे खोल के देख लेते हैं। ये देखें कितना बढ़िया, अभी हमारा मसाला कच्चा है। अब इसे हम ढक देते हैं, 5 मिनट और पकने देते हैं, जब तक मैं आलू के बारे में आपको बताती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं ये आलू बॉयल है, देख सकते हैं इस तरीके से गल चुका। ये मैंने 2500 ग्राम लिया और इसे मैंने बॉईल करके छील कर काट लिया। अब हमारा मसाला रेडी हो जाएगा तो हम ये आलू उसके अंदर ऐड करेंगे। चलिए इसे खोल के देख लेते हैं, 5 मिनट हो चुका है। अब इसे हम खोल के थोड़ा सा पका लेंगे।
आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला भून चुका है अच्छी तरीके से, अपना ऑयल भी छोड़ दिया। अब हम इसे खोल कर भून लेंगे, आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है, अच्छी तरीके से पक चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये बॉयल आलू, और इसके आलू डालने के बाद भी 5 मिनट हम इसे मसालों में भून लेंगे, आलू को मसालों में भून लेंगे 5 मिनट, ताकि आलू में हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए ढक देंगे इस तरीके से। 2 मिनट बाद देखते हैं, हमारा 2 मिनट हो चुका है, चलिए इसे खोल के देखते हैं। ये देखें कितना बढ़िया कलर आया, कितनी अच्छी तरीके से आलू मसाला हमारा पक चुका। अब हम इस स्टेज पर आके इसमें पानी ऐड करेंगे, आपको जितना ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से पानी डालें, कम चाहिए तो कम और ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा। पानी डालने के बाद आप इसमें नमक मिर्च हर चीज़ चेक कर लें, ताकि सब कुछ बराबर है या नहीं, और इसको ढक दें। ढकने से पहले हम इसके अंदर ये बॉयल किए हुए अंडे वो ऐड कर देंगे, और इसे 4 से 5 मिनट तक बॉयल आने देंगे, ताकि हमारा जो अंडा है उसके अंदर मसाले अच्छे से नमक मसाला सब चला जाए। तब इसे हम बॉयल आने तक वेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं 5 मिनट हो चुका है, इसे हम खोल के देखते हैं। तो ये देखें बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है, अब ये सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा आलू अंडा की सब्ज़ी बनके बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं टेक्सचर कितना बढ़िया आया है, ये देखने में जितना सुंदर है ना खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप इसे ज़रूर बनाएं और ट्राई करें और बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसा लगा, हमारी रेसिपी कैसी लगी। कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।